हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, आप सभी ने सुपर हीरो वाली मूवीज़ तो देखी ही होगी। सभी को ऐसा लगता है कि अगर हमारे पास भी स्पाइडरमैन जैसी सुपर पावर होती या फिर हल्क जैसी ताकत होती तो मज़ा आ जाता। लेकिन हम सब एक सामान्य इंसान हैं जिसे घर, जॉब, स्टडी जैसे बोरिंग कामों से ही टाइम नहीं मिलता। लेकिन दुनिया में हमारे बीच में ही कुछ ऐसे सुपर पावर वाले इंसान मौजूद है जिन्हें देख के हमें भी लगेगा शायद हमारे पास भी शायद ऐसी कोई सुपर पावर होती। तो चलो जानते हैं ऐसे ही कुछ सुपर ह्यूमंस को। मैग्नेटो, ये है 80 साल के दादाजी ल्यू थोली जो मलेशिया में रहते हैं। दोस्तों, मैग्नेट पे जैसे लोहा स्टील चिपक जाता है वैसे ही ये अपनी बॉडी पे चिपका सकते हैं। ये दादाजी एक ही टाइम पे अपनी बॉडी पे 40 पाउंड तक का लोहा कैरी कर सकते हैं। साइंस के हिसाब से इनकी स्किन बहुत ही यूनिक है जो लोहे को अपनी ओर खींचती है। और सबसे अजीब बात यह है कि यही सुपर पावर उन्होंने उनके पोतों में भी पाई है। वैसे तो इनके अलावा भी दुनिया में ऐसे कुछ और लोग भी आपको देखने मिल सकते हैं। आप लोगों को भी ये चीज़ ट्राई करके देखनी चाहिए। इलेक्ट्रोमैन, दोस्तों अपने इंडिया में ही रहने वाले राजमोहन नायर इलेक्ट्रोमैन के नाम से मशहूर है जो अपनी बॉडी में 10 एम्पियर जितनी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही आराम से पास कर लेते हैं जिससे किसी भी सामान्य इंसान की जान जा सकती है। 7 साल की छोटी उम्र में उनकी माताजी की डेथ की वजह से अकेलेपन में वो एक दिन इलेक्ट्रिसिटी थम्बे पर चढ़कर ओपन इलेक्ट्रिसिटी वायर को हाथ में पकड़ लिया था। लेकिन तब मोहन जी को कुछ भी चोट नहीं पहुंची थी, तभी उनको इस सुपर पावर की समझ आ गई थी। मोहन जी सामान्य इंसान से 10 गुना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी अपनी बॉडी से पास कर लेते हैं जो किसी और के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। सुपर समुराई, जापान के ये मार्शल आर्ट मास्टर अपनी एक्यूरेट समुराई कटिंग के लिए सिर्फ जापान ही नहीं लेकिन पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इनकी समुराई चलाने की एक्यूरेसी इतनी है कि ये किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से बीच में से काट सकते हैं, वो भी फुल स्पीड के साथ। ये दुनिया में सबसे तेज समुराई चलाने वाले इंसान भी है और ये भाई साहब अपनी तलवार से बुलेट को भी निशाना बना के उसको रोक सकते हैं। मिस्टर फैंटास्टिक, इंग्लैंड के गैरी टर्नर फैंटास्टिक नाम से जाने जाते हैं जिनके नाम कई सारे गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बने हुए हैं। ये अपनी स्किन को 6 इंच तक खींच सकते हैं। एल्हर डेनलो सिंड्रोम नाम की बीमारी की वजह से इनकी स्किन ऐसी हो गई है। उनका सबसे फेमस रिकॉर्ड अपने गले की स्किन को खींच के मुंह को कवर करने वाला है जो दिखने में बहुत ही अजीब और डरावना है। आइसमैन, एवरेस्ट जैसे बर्फीले पहाड़ों पे बहुत लोगों ने ट्रैकिंग किया होगा लेकिन नेदरलैंड में रहने वाले विम होप ने बिना कपड़े के ही एवरेस्ट पे चढ़ाई की है और इसीलिए पूरी दुनिया में वो आइसमैन के नाम से जाने जाते हैं। इस बंदे के नाम कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हुए हैं जिसमें बर्फ के नीचे पानी में तैरना और नंगे पाँव हाफ मैराथन दौड़ना बहुत ही मशहूर है। सामान्य इंसान बर्फ वाले पानी में सिर्फ 15 मिनट रह सकते हैं जबकि होफ ऐसे ही पानी में आराम से 2 घंटे निकाल लेते हैं। द रबर बॉय, इनसे मिलिए। ये है यूएसए के डेनियल स्मिथ जिनको दुनिया रबर बॉय के नाम से जानती है। ये दुनिया के सबसे फ्लेक्सिबल इंसान है जो अपनी अमेजिंग बॉडी से बहुत सारे स्टंट और ट्रिक्स करते रहते हैं। अपने पाँव को गर्दन पर टच करना हो या फिर अपनी बॉडी को सूटकेस में पैक करना हो, ये सब इनके लिए बहुत आसान सी बात है। जबकि ये सब करने के लिए उनको बहुत सारी बॉडी स्ट्रेचिंग ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है। हैमर हेड, दोस्तों इनसे मिलिए। ये है अमेरिकन बॉक्सर गिनो मार्टिनो। ये भाई साहब अपने सिर से किसी भी चीज़ को फोड़ सकते हैं। आयरन बार्स, बेसबॉल स्टिक या फिर कंक्रीट ब्लॉक जैसी सॉलिड और हार्ड चीज़ें इनके आगे टिक नहीं सकती। डॉक्टर के अनुसार उनकी मजबूत खोपड़ी के कारण ये सब होना पॉसिबल है। शायद इन भाई साहब के घर में तो हथौड़े की भी ज़रूरत नहीं पड़ती होगी क्योंकि ये भाई साहब तो अपने सिर से ही कील को ठोक देते हैं, वो भी बड़ी आसानी से। स्टेमिना मैन, यूएसए का डीन कार्नेज स्टेमिना मैन का बादशाह और लंबी रेस का घोड़ा है जो पानी और खाने के बिना भी अल्ट्रा मैराथन जैसी लंबी रेस दौड़ सकता है। इन्होंने 2005 में ट्रेडमिल रनर पे बिना सोए 560 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 80 घंटों में पूरी की है। इनका सबसे अजीब रिकॉर्ड ये है कि इन्होंने 50 मैराथन 50 अलग स्टेट्स में और वो भी कंटिन्यू 50 दिन तक दौड़ के पूरी की है।
जमोरा द टॉर्चर किंग। दर्द क्या चीज़ होती है शायद इस इंसान को नहीं मालूम। स्कूल टाइम में सबको इम्प्रेस करने के लिए ये इंसान अपने हाथों में सुई घुसा देता था। बिजली के झटके, आग के गोले खाना, तलवार निगलना और ऐसी ही बहुत कुछ अजीब हरकतों के कारण टीम क्रीडलैंड को लोग आज टॉर्चर किंग के नाम से जानते हैं। इंसोमनिया मैन थाई नगोक वियतनाम में रहने वाला वो इंसान है जो अपनी लाइफ में 46 साल से ज़्यादा समय से सोया नहीं है। कुछ सालों पहले बुखार आने के कारण इनको ये आदत हो गई थी। नींद लाने के लिए इन्होंने दारू, ड्रग्स सब कुछ ट्राई कर लिया है, फिर भी इन्हें नींद नहीं आती है। 75 साल की एज में भी ये बहुत हेल्दी है और नाइट सिक्योरिटी वाली जॉब करके अपना जीवन अच्छे से गुजार रहे हैं।